ओके, ये क्वेश्चन है। सपोज करो एक बोट है, एक बोट 40 kg की बोट है और एक मैन है। मैन बिल्कुल कोने पे खड़ा हुआ बोट के, 10 kg का मैन है, ठीक, दोनों खड़े हुए हैं। अच्छा बॉय है, ओके, बच्चा है 10 kg का, ठीक है, ओके। आपकी डीसी बांडिंग के अंदर ये डॉग है, मैंने मैन बनाया, वैसे डॉग बना हुआ अब सही है। तो सपोज कोई भी ये मैन है 10 kg का और 40 kg की बोट है और ये कोना है ना, शोर है, कोना है। इस कोने से आपको क्या बताना है, ये रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, तो मैन 20 मीटर दूरी पे खड़ा हुआ है उस कोने से, वो पॉइंट से 20 मीटर पे खड़ा हुआ है। मैन 8 मीटर इस कोने के पास आता है, अगर बोट ना चलती, खड़ी है अगर, चिपकी हुई है मान लो पानी से, तो मैन 8 मीटर आगे आया तो उसका ओ पॉइंट से अब दूरी कितनी रह गई, 20 में से 8 गया 12 मीटर रह गई। पर ऐसा हुआ नहीं, जब मैन चला 8 मीटर तो दूरी रह गई 12 मीटर, पर बोट कहाँ गई, पीछे। तो आपको ये बताना है कि अब मैन की दूरी अब कितनी है उस कोने से, वो 8 मीटर आके आ गया, तो मुझे एक्चुअल में ये निकालना है कि बोट कितनी पीछे गई, क्योंकि मैन अगर 8 मीटर आगे आया तो उस कोने से डिस्टेंस कितना हो गया, 12 में से 8, 20 में से 8, 12, और एक्स डैश पीछे हो गया बोट की वजह से, तो फाइनल आंसर क्या आया, 12 प्लस एक्स डैश। एक्स डैश को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, तो पॉइंट समझ में आया करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, बोट पे मैन का चलना और बोट का पीछे आना फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। तो मैन का चलना, बोट का पीछे आना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या कहता है, अगर सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पे था, मैन रेस्ट पे है, बोट रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है, मैन के चलने के बाद भी बोट पीछे आएगी, सेंटर ऑफ मास बाद में भी किस पे पड़ा रहेगा, एट रेस्ट, तो दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले मैन को यहीं खड़े रहने दो, मत चलाओ, इन दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल लो, फिर मैन को चला दो 8 मीटर, फिर नया सेंटर ऑफ मास निकाल लो सिस्टम का, और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन दोनों केस में विल रिमेन सेम, मूव ही नहीं किया एक्चुअल में, तो पोजीशन चेंज ही नहीं होगी। चलो एक काम करते हैं, एक एक करके करते हैं, मैन रेस्ट पे है, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। पूरे सिस्टम में आपको कितनी बॉडीज नज़र आ रही हैं, दो, एक मैन और एक बोट। मैन का सेंटर ऑफ मास मैन के सेंटर पे, बोट का सेंटर ऑफ मास बोट के सेंटर पे। मैन का सेंटर ऑफ मास इस कोने से कितनी दूरी पे, 20 मीटर। बोट का सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे, सपोज एक्स डिस्टेंस पे, हमें गिवन नहीं है तो मैंने एक्स मान लिया, राइट। तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 40 kg m1 इंटू x1 ये रहा, प्लस m2 इंटू x2 ये रहा, अपॉन m1 प्लस m2, तो क्या आ गया, x सेंटर ऑफ मास। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ गई पूरे सिस्टम की, बोट और मैन की कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक, m1 x1 m2 x2 बाय m1 प्लस m2। चलो एक काम करते हैं, अब सपोज करो बोट पीछे, मैन आगे आ गया 8 मीटर, बोट पीछे गई बाय x डैश। अब फिर से शुरू करते हैं, मैन का मास 10, मैन का डिस्टेंस था 20, 8 मीटर पास आ गया तो कितना बचा, 12, एक्स डैश पीछे हो गया क्योंकि बोट पीछे हो गई, तो मैन एक्स डैश पीछे हो गया। अब मैन का डिस्टेंस कितना हो गया, 12 प्लस एक्स डैश, कोई डाउट इसमें। अच्छा बोट की बात करें, बोट पहले कहां पर खड़ी हुई थी, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, मैन के चलने की वजह से बोट पीछे आ गई बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स डैश, तो बोट का जो डिस्टेंस है कितना हो गया, एक्स प्लस एक्स डैश। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है, फिर से पहले ये बोट यहाँ पर थी ना एक्स पे, मैन आगे चला, बोट आगे थोड़ा आएगी, बोट तो पीछे ही जाएगी, नहीं ना, एक्स है, सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो गया एक्स डैश, तो एक्स प्लस एक्स डैश, ठीक है यहाँ तक। पर इनिशियल और फाइनल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज आएगा ही नहीं, इन दोनों को इक्वेट कर लें, डिनोमिनेटर कैंसिल, 40x से 40x कैंसिल, सॉल्व करके क्या आ गया, x डैश आ गया।
तो बोट कितना पीछे गई, 1.6 मीटर आंसर आ गया। तो मैन कितना पीछे गया होगा, 20 आगे, 20 में से 8 12, और बोट पीछे गई 1.6, तो मैन कितनी दूरी पे है, 13.6 मीटर पे। क्या ये बात समझ में आई कैसे सोचना है? तो इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा आपको बुक्स में, एनसीईआरटी के लिए नहीं है, नॉट फॉर एनसीईआरटी। ठीक है यहाँ तक? ओके, ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपके पास तीन ब्लॉक्स हैं, ये नहीं नहीं तीन नहीं है, आपके पास कोई ब्लॉक है 25 सेंटीमीटर लंबा ब्लॉक है, आपने क्या किया इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया और कितना बाहर निकाल गया, 8 सेंटीमीटर पे टिक गया उसके ऊपर पड़ा रहा। आपने एक और ब्लॉक रखा 8 सेंटीमीटर बाहर करके फिर से रख दिया, तीन भी टिक गए। आप 8-8 करके टिकाते जाओ, बोलो कितने ब्लॉक्स रख सकते हो कि अगर आपने एक भी फालतू रखा सिस्टम नीचे गिर जाएगा। ये क्वेश्चन है, आपको नंबर ऑफ ब्लॉक्स बताने हैं इसमें कि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऐसे कितने ऐसे टिक सकते हैं इसके ऊपर। तो लॉजिक क्या है, 25 सेंटीमीटर की लेंथ है, अगर ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जितने भी ब्लॉक्स आप रखोगे, जैसे सपोज करो, इजी एग्जांपल लेता हूं पहले, सपोज करो आपने दो ही ब्लॉक रखेगा ही बस, ये 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, तो आप इसको 12.5 से ज़्यादा नहीं क्रॉस कर सकते, 12.5 मिड पॉइंट से क्रॉस कर गया अगर नीचे गिर जाएगा। तो दो ब्लॉक्स की कहानी समझ में आ गई। अगर मान लो ये दो नहीं है ऐसे 6 हैं, तो 6 का सेंटर ऑफ मास जो होगा 12.5 क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो जितने भी रखोगे उन सबका टोटल सेंटर ऑफ मास 12.5 क्रॉस कर गया फिर सारे नीचे गिर जाएंगे। तो लॉजिक समझ में आ रहा है, दो ब्लॉक में ज़्यादा क्लियर दिखता है 12.5, अगर ये इसके ऊपर और ब्लॉक्स हैं तो पूरा सेंटर ऑफ मास 12.5 क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इसके अंदर सपोज ये ब्लॉक्स हैं 25-25 सेंटीमीटर के और 8-8 सेंटीमीटर बाहर हैं, तो इसके अंदर कितने ब्लॉक्स रखने हैं ये पहले नॉन मेडिकल वाले सुनेंगे, मेडिकल वाले रिलैक्स करेंगे, अभी कुछ नहीं सुनना आपको क्योंकि इसमें एपी यूज़ हो रही है और एपी मैथ्स वालों ने की हुई है। तो मान लो ये इसका सेंटर ऑफ मास है नीचे वाले ब्लॉक का, इसको तो शिफ्ट करने की आपको ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि इसने तो नीचे गिरना ही नहीं, इसको जहाँ मर्जी रख लो, तो इसको तो आपने शिफ्ट नहीं किया, तो इसकी इसकी शिफ्टिंग इन सेंटर ऑफ मास जीरो है, कुछ ना छेड़ो इसे। जो अगला ब्लॉक है उसका सेंटर ऑफ मास 8 सेंटीमीटर बाहर है, 8 सेंटीमीटर बाहर है, तो इसके सेंटर ऑफ मास से इसके सेंटर ऑफ मास से डिफरेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर आ गया। फिर अगले ब्लॉक का कितना है, 16 हो गया, 8 + 8 = 16, अगले का क्या हो गया, +8 = 24 हो गया, अगले का 32 एंड सो ऑन। अब लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि आपका जो पूरा शिफ्टिंग है सेंटर ऑफ मास में कोऑर्डिनेट्स हैं, हर ब्लॉक का मास m है, तो m इंटू डेल्टा x1, m इंटू डेल्टा x2, m इंटू डेल्टा xn, मान लो n नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, अपॉन m प्लस m प्लस m कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, m इंटू n, तो ये m m m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपके पास यही टर्म आ जाएगी। तो मतलब किया तो वही है, एम एक्स वन एम एक्स टू एम एक्स थ्री अपॉन एम प्लस एम प्लस एम, एम 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 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये टर्म आ जाएगी। तो ये पूरा जो टोटल सेंटर ऑफ मास आएगा शुड बी लेस देन 12.5। तो आपको ये पता है ये जीरो है, पहले वाले को तो मूव ही नहीं करवाया, दूसरे वाला 8, तीसरे वाला 16, 24 एंड टर्म्स। तो मैथ्स वालों को AP आती है, AP का सम निकाल लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके एन लेस देन 4.1, तो एन की वैल्यू क्या आएगी, 4। लेकिन ऐसा करने के बजाय एक शॉर्टकट है जो मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों यूज़ कर सकता है, वो क्या, आपने कुछ करना ही नहीं है, आप इमेजिन करें कि आपने आपको पता नहीं कितने ब्लॉक्स हैं, मान लो दो ब्लॉक्स हैं, तो आप ना हिट एंड ट्रायल करेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे पहले, आप सॉल्व करेंगे पहले, पहले ब्लॉक को हिलाया नहीं, दूसरे को हिला दिया बाय 8 डिवाइडेड बाय 2, दो ब्लॉक्स हैं डिवाइडेड बाय 2, क्या ये लेस देन 12.5 है, यस। एक और ब्लॉक रख लो, 0 + 8 + 16 डिवाइडेड बाई 3, क्या ये लेस देन 12.5 है, यस। फिर एक और ब्लॉक रख के देख लो, 0 + 8 + 16 + 24 लेस देन 4, क्या ये लेस देन 12.5 है, यस। लेकिन अगर आप एक और ब्लॉक रखते हो 32 डिवाइड बाई 5, तो ये ग्रेटर देन 12.5 है, तो ऐसे कितने ब्लॉक्स एडजस्ट हुए, 4, आंसर 4। ज़्यादा आसान नहीं है, दो एक एक करके रखते जाओ, 2 3 4 5 6
लेस देन 12.5 आंसर आना चाहिए. डन. ये ज़्यादा ईजी है ना. बुक्स ऊपर वाला करती हैं पर मेरे को लगता है ये ज़्यादा आसान है अगर समझ में आ जाए एक ही बारे में डन हो जाएगा. समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक. तो हर कोई वैसे यही फॉलो करेगा जहाँ तक मुझे लगता है. कौन ये भी कर रहा है? इस क्वेश्चन को देखते हैं. प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड. एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया. कितने एंगल पर किया? 37. कितनी वेलोसिटी से? 100. तो प्रोजेक्टाइल अगर ना फटता तो वो उसका सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक पाथ फॉलो करता. डन. उसने ये कहा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल ब्रेक हो गया दो टुकड़ों में, 1:3, एक बड़ा और एक छोटा. तो छोटे टुकड़े का मास m, बड़े टुकड़े का मास 3m. टॉप मोस्ट पॉइंट पे ऐसा हुआ. स्मॉलर वन ड्रॉप्स, तो जो m छोटा टुकड़ा था ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके सीधा नीचे गिर गया यहां पे. डन. वो आगे गया ही नहीं. तो दूसरा टुकड़ा इस ओरिजिन से, इस पॉइंट से कितनी दूर गिरा ये आपको निकालना है. x r पे तो नहीं गिरा, कम से कम आर पे नहीं गिरेगा ना. आर से आगे गिरेगा. कितने लोग समझ पा रहे हैं आर से आगे गिरेगा? अच्छा ये बताओ, दो टुकड़े, अगर एक टुकड़ा यहां गिर रहा है, दूसरा टुकड़ा यहां गिर रहा है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? यहां पे होगा? नहीं, कहीं इनके बीच में ही होगा यार. सेंटर ऑफ मास तो कहीं बीच में ही होगा कहीं पर भी. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक मास यहां गिर रहा है और सेंटर ऑफ मास ये रहा, पता है पैराबोला है, वही रास्ता फॉलो करेगा, तो दूसरे पार्टिकल को तो आगे गिरना पड़ेगा ना. क्यों? क्योंकि वन और टू पार्टिकल के बीच में कहीं पर क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास. कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो एक टुकड़ा यहां, एक टुकड़ा वहां, तभी बीच में यह फंसेगा सेंटर ऑफ मास. तो दूसरा टुकड़ा आर से दूर जाके गिरेगा, राइट? तो जमीन पे कितने डिस्टेंस दूर जाके गिरा एक्स, ये आपको निकालना है. और सेंटर ऑफ मास ने कहाँ गिरना था? एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, क्वेश्चन में पता ही है. और जो छोटा टुकड़ा है वो कहाँ पे गिरा? जो छोटा टुकड़ा है वो बिल्कुल नीचे गिर गया. और ये आर है तो ये कितना है? आर बाय, छोटा टुकड़ा आर बाय टू पे गिर गया, राइट? तो एक काम करते हैं, पहले आर निकालते हैं, रेंज कितनी है. रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी. वेलोसिटी पता है, थीटा 37 है, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला मैथ्स में क्या होता है? 2 sin θ cos θ. वैल्यू याद रखनी है, मैंने पहले भी कहा था, cos 37 याद रखना है 4/5 है, साइन 37 याद रखना है 3/5 है. सॉल्व करके क्या आएगी? रेंज. रेंज आ गई 960, ठीक है. अब ये x एक्सिस है, हमें ज़मीन का डिस्टेंस x एक्सिस पर निकालना है. तो हम फॉर्मूला लगाते हैं x सेंटर ऑफ मास, m1 x1 m2 x2 m1 plus m2. तो सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे गिरा? 960. रेंज पे गिरेगा वो तो पता ही है. तो सेंटर ऑफ मास का जमीन का डिस्टेंस कितना है? 960. पहला टुकड़ा मास m r बाय 2 पे गिरा, r बाय 2 का मतलब 960 का आधा कितना? 480. क्योंकि r अगर 960 है, पहला टुकड़ा टॉप मोस्ट पॉइंट से बिल्कुल नीचे गिरा, तो जमीन का डिस्टेंस कितना है? हम क्योंकि x एक्सिस ले रहे हैं तो जमीन का डिस्टेंस 960 का आधा 480. क्लियर है यहाँ तक? दूसरा टुकड़ा कितनी दूरी पे गिरा? x, m1 plus m2. इसे सॉल्व कर लो, m कैंसल, 1120 meter पे जाके गिरेगा दूसरा टुकड़ा. कॉन्सेप्ट क्या लगा जो आज हमने किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, विच स्टेट्स दैट सेंटर ऑफ मास वही पाथ फॉलो करेगा जो फटने से पहले करता था. तो दो टुकड़े होने के पहले, दो टुकड़े होने के बाद सेंटर ऑफ मास है तो आर पे ही गिरना है. इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू क्या आएगी? आर के इक्वल ही आई के. क्या ये पॉइंट क्लियर है?